आदमी मरमेड के बगल में आराम से सो रहा था, लेकिन मरमेड जाग रही थी। उसके हाथ काबू नहीं हो रहे थे। वो जैक की गर्दन को देख रही थी। वो अपने गुटखा वाले पीले नुकीले दांतों को दिखाने के लिए अपना चौड़ा मुंह खोल रही थी। तभी शोर की वजह से जैक उठ जाता है। यह उसका दोस्त माइक था। वो जैक से पैसे उधार लेने के लिए आया था, लेकिन जैक खुद गरीब था। उसके पास उधार देने के लिए कोई पैसा नहीं था। ये सुनते ही माइक गुस्से में आ जाता है। अचानक उसने बाथरूम से आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो माइक बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि शहर में मरमेड के बहुत पैसे मिल सकते हैं। वो उसको करोड़पति बना सकती है। उसकी सिर्फ पूंछ ही घर को खरीदने के लिए काफी है। इसलिए माइक के दिमाग में एक योजना आती है। सबसे पहले उन्होंने मरमेड को जीवित रखने के लिए एक बड़ा मछली टैंक बनाया। वो इसे बेच देंगे जब मरमेड पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पानी में वापस जाकर मरमेड पहले जैसी होने लगती है। एक रात एक अजीब महिला दरवाजे पर आ जाती है। महिला ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तुमने मेरी जान बचाई थी। जैक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि मरमेड टैंक से गायब हो गई थी। एक मिनट पहले वो टैंक में तैर रही थी, अगले पल वो जैक के सोफे पर बैठी थी। जैक बोल नहीं पा रहा था। लिसा ने उसे उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने जैक की ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल दिया, फिर अपने हाथ को उसके चेहरे पर लगाने लगती है। फिर वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैक का चेहरा ठीक हो जाता है और वो एक ताकतवर इंसान बन गया था, जिसके बाद दोनों